Hey guys, welcome back to my channel that is Life with Kiran Abaid. And those who are new on my channel, warm welcome. And don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon so that you guys can get notifications on time. So, chaliye Allah ke barakat naam se aaj ki video ko hum log start karte hain. Jaisa ki aapko pata chal gaya hai title mein ki aaj hum log karne wale hain makeup look aur wo bhi summer day makeup look hai. Ye har us lady ke liye, har us girl ke liye hai jo ki university going hai aur jo office going ladies hain. उनके लिए तो बहुत ही बेस्ट रहने वाला ये मेकअप है और ये लॉन्ग लास्टिंग मेकअप है. ये मेकअप अगर आप एक दफा कर लेंगे तो ये कहीं नहीं जाने वाला और स्वेट प्रूफ मेकअप होगा इंशाल्लाह. अगर आप लोग मेरे पूरे स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आप लोगों को ये मेकअप बहुत ही अच्छी लुक देगा और आपके फेस पर बिल्कुल स्वेटिंग नहीं होगी आपको इंशाल्लाह. तो चलिए अब बगैर टाइम वेस्ट किए हम लोग अपनी मेकअप की तरफ आते हैं और देखते हैं कि हमें इस मेकअप को कैसे क्रिएट करना है. तो यहाँ मॉइस्चराइज करने के लिए सबसे पहले मैं अपने स्किन पर एलोवेरा जेल लगा रही हूँ और इसको आपने 5 मिनट के लिए रेस्ट देना है ताकि ये स्किन के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए. 5 मिनट कंटिन्यूस मसाज के बाद यहाँ मैं अप्लाई कर रही हूँ फाउंडेशन. और अगेन आई एम टेलिंग यू कि फाउंडेशन आपने हमेशा अपने शेड का लेना है और इसको आपने ड्रैग करके नहीं आपने फाउंडेशन लगानी है, जस्ट डैब इट. फाउंडेशन अच्छे से अप्लाई करने के बाद यहाँ मैं यूज़ करने लगी कंसीलर. कंसीलर आपने अपने हाई एंड पॉइंट्स पे लगाना है जिसको आप हाईलाइट करना चाहते हैं. कंसीलर को भी आपने डैबिंग मोशन में अप्लाई करना है. अगर आप हर चीज़ को ड्रैग करते जाएंगे तो आपकी एक चीज़ दूसरी चीज़ के साथ मिक्स होकर केक ही लुक देगा आपको. सो अब टर्न है हमारी आईज की और यहाँ पर मैं लाइट गोल्डन शेड ले रही हूँ. किसी भी पैलेट से आप ले सकते हैं और मैं थोड़ा सा ब्राउनिश टोन में लेकर आ रही हूँ मेकअप को. डे टाइम में आपका ब्राउन न्यूड मेकअप बहुत ही एक डिसेंट लुक देता है. तो अगेन यहाँ पे सेम पैलेट से मैं ब्लैक एंड पर्पल शेड लेने लगी हूँ और जो कि मैं अपने आईलाइनर वाले एरिया पे लगाऊंगी. और डजेंट मैटर के थोड़ा सा रफली लगा रही हूँ क्योंकि इसको मैंने ब्लेंड कर लेना है. तो ये देखिए यहाँ पे फ्लफी ब्रश लेके हमने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है उस ब्लैक शेड को. ब्लैक शेड के बाद आपको आईलाइनर की जरूरत नहीं पड़ेगी. अब यहाँ पर मैं अपनी आईब्रो सेट कर रही हूँ सफुल के साथ और इसके बाद अब मैं लगाने लगी हूँ काजल. यहाँ पे काजल को नीचे वाले पार्ट पे लगाने के बाद आपने अपर आईज पे ज़रूर लगाना है, इससे बहुत अच्छी लुक आती है आईज की आपके. तो बस यहाँ पे अब मैं अप्लाई करने लगी हूँ फेस पाउडर. आप ट्रांसलूसेंट पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन नॉर्मल डे मेकअप में आपका फेस पाउडर जो है वही बेस्ट रहता है. फेस पाउडर अप्लाई करने के बाद यहाँ पे मैं अप्लाई करने लगी हूँ अब ब्लशन, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट ब्लशन है. ब्लशन को मैं खूब रगड़ती हूँ, क्योंकि बाद में वो खुद ही उतर जाता है. तो बस यहाँ पे लास्ट स्टेप जो है ये है हमारा हाइलाइटर, जो कि हर लड़की का यकीनन ये फेवरेट होता है. जिसका फेवरेट है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग किस किस का हाइलाइटर फेवरेट है. इन द एंड हाइलाइटर लगाने के बाद अब मैं लगाने लगी हूँ यहाँ पर अपनी फेवरेट न्यूड शेड की लिपस्टिक और आई रियली लव दिस शेड. ब्राउन न्यूड मेकअप के साथ न्यूड लिपस्टिक बहुत ही ऑसम लगती है. सो इन द एंड मेरा मस्कारा रह गया था, अब मैं वो अप्लाई करने लगी हूँ. और आपको एक ट्रिक बताती हूँ मस्कारा लगाने की, आपने इस तरह पकड़ के और इसको 2-3 टाइम ट्विस्ट करके लगाना है. सो जस्ट लुक एट दिस कि मेरी आई लैश किस तरह लिफ्ट अप हो गई है. तो ये एक ट्रिक है मस्कारा लगाने की. सो डू ट्राई इट एंड लेट मी नो कि आपका मस्कारा इससे लगने के बाद आपकी आई लैशेज बड़ी लग रही थी कि नहीं लग रही थी. आप देख सकते हैं मैंने कोई फेक लैश कुछ नहीं लगाया, जस्ट मैंने ट्विस्ट करके लगाया था. सो या हेयर इज़ माई फाइनल लुक एंड आई रियली लाइक इट. सो यू गाइस टेल मी इन द कॉमेंट बॉक्स कि आपको ये लुक कैसी लगी है. नाउ विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड बाय.